2017 की सबसे सफल फिल्म सत्या भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर तो सभी लोगों ने देखा ही होगा और इस फिल्म की तारीफ आज भी लोग करते हैं। तभी तो सत्या में पवन सिंह ने जिस तरीके से गेटअप निभाया था वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। और आपको याद ही होगा सत्या की अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही कर दिया गया था, लेकिन फिल्म के बारे में खुलासा नहीं किया गया था कि फिल्म में कौन सी अभिनेत्री काम करेगी। लेकिन अभी एक ऐसी जानकारी आ रही है जिसका भोजपुरी दर्शक बड़े ही बेसब्री से कर रहे थे। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि सत्या में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह के साथ रानी चटर्जी की जोड़ी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक सत्या के फिल्म के निर्माता और फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ना ही पवन सिंह की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है कि फिल्म सत्या में पवन सिंह के साथ रानी चटर्जी नजर आने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म का टाइटल तो सत्या रिटर्न्स रखा गया है। अब देखना होगा कि रानी चटर्जी या फिर पवन सिंह इस फिल्म के बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब करते हैं। वैसे आपको बता दें कि सत्या रिटर्न्स को लेकर भोजपुरी दर्शकों में काफी ज्यादा कोताहल मची हुई है कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन खबर यह आ रही है कि होली के बाद फिल्म की शूटिंग नेपाल और थाईलैंड जैसे शहरों में फिल्म की शूटिंग किया जाएगा। जी हां, फिल्म की शूटिंग एक बार फिर से पवन सिंह बाहर कंट्री में करते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सत्या में क्या वाकई में ही रानी चटर्जी और पवन सिंह की जोड़ी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिलेगी।